हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बी पार्ट में भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर टू बी क्यूब प्लस आर। ओके, सो इसमें ए क्या है हमारा, देन इसके बाद हमें क्या निकालना था, एचसीएफ। उसके बाद हम बताएंगे ए एंड बी क्यूब आर, उसके क्या क्या बचेगा। एचसीएफ निकालते हैं हम, बड़ा क्या है हमारा, ये तो ये अंदर आएगा, देन ये बाहर आएगा। 3820, ओके। नेक्स्ट उसके बाद 196, तो इसको पहले 1 पे देते हैं हम, 196। 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 ने क्या लिया 17 हो गया। 17 में से हमारे 9 गए तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 में से हमारे 9 गए तो 3, 6, 7, 8 बचे 8। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, 2 में से बन गए तो 1। उसके बाद ऊपर से हमने 2 कैरी ले लिया। अब ये 9 पे जाएगा, 196 मल्टीप्लाई बाई 9। देखिए, 9 6 जा 54, 4 8 5, 9 9 जा 81 प्लस 1 इज 81 प्लस 1 इज 86, तो 6 कैरी 8, 9 में से 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस लाइन पे जाएगा, तो 9 पे 1764 पे जाएगा। ओके, अब 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे क्या था 5, तो 6 था, कैरी 1 दे दिया 5 हो गया, तो इसने इसको कैरी दिया क्या गया 15, और 15 में 6 6 गए तो 9। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया 7, 7 में 17 ले जाएंगे तो वो ही नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब देखते हैं 196 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 0 है लास्ट में, सो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 प्लस 6 48, 5 1 जा 5 प्लस 4 इज 9, तो ये आएगा, मींस 5 पे कट हो जाएगा, तो पूरा कट हो रहा है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी इजी, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसी टेबल से सारा सॉल्व हो गया। सो ए हमारा 1 क्या है, 3 8 2 2 0 इक्वल टू 196 प्लस 195 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा प्लस 0। सो इसका क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 3 8 2 2 0 का क्या होगा एचसीएफ। लास्ट है हमारा क्या आया, लास्ट में यही आया, तो ये होगा हमारा एचसीएफ। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। थैंक्स।